हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है। 12 अगस्त को पंचकुला में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शाम 5 बजे शहीद मेजर संदीप सागर चौक से यह यात्रा शुरू होगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता जिन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए तिरंगा यात्रा निकाले जाने की बात कही है। 12 अगस्त को पंचकुला में यह तिरंगा यात्रा को निकाला जाएगा। 12 अगस्त को यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शाम 5 बजे शहीद मेजर संदीप सागर चौक से यह यात्रा शुरू होगी और यात्रा के जरिए शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। देखिए, शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि दी जाएगी। 12 अगस्त को पंचकुला में तिरंगा यात्रा को निकाला जाएगा और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता तारा ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारा, देखिए, 12 अगस्त को पंचकुला में तिरंगा यात्रा निकाले जाने का ये ऐलान किया गया और क्या कुछ तैयारी की गई है इसको लेकर के? आज जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया था कि 12 अगस्त को शहीद संदीप सागर के जो चौक है वहां से एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें हजारों की संख्या में जो है लोग शामिल होंगे। तिरंगा लेकर सेक्टर 12 जो शहीद स्मारक है वहां तक पहुंचेंगे और इसको लेकर उन्होंने लोगों से निवेदन भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए क्योंकि शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और वहीं 15 अगस्त जो संविधानता का जो पर्व है उसको जोश से मनाने के लिए इस तिरंगा यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचकुला द्वारा इस भव्य तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा और आम नागरिकों से भी अपील की है कि जो 15 अगस्त आजादी दिवस है उसको लेकर उससे पहले जो 12 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शहीदों को नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें। जी बहुत शुक्रिया तारा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, तिरंगा यात्रा का ये आयोजन किया